अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये वीडियो में देखेंगे कि हमारे लीडर मोहम्मद अहमद शाह सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अपने महबूब दोस्तों के दरमियान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सितारों के दरमियान बेमिसले चांद नज़र आ रहे हैं। शाह साहब का कद नापना तो ऐसा ही है जैसे कहा जाता है कि दरिया को बालिश से नापना। तो आपकी खिदमात जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह आया हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग अहमद शाह की फ़नून के हवाले से जो खिदमात हैं उसको ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि उसकी तकलीद करने की कोशिश भी करते हैं। अहमद शाह का कद इतना हो चुका है कि लोग उनकी तकलीद करते हैं अमली काम के एतबार से, और बिलखुसूस उर्दू के लिए जो आपने खिदमात पेश की हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। हर साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और पूरे साल में मुशायरों का इनेकाद, अदबी नशस्तों का अहतमाम और हल्का अरबाब ज़ोक़ जो बैन अवी सतह पर जिसको माना जाता है, तनकीदी नशस्तें हल्का अरबाब ज़ोक़ के तहत होना और हल्का अरबाब ज़ोक़ या जितनी भी तकरीबात अदबी हवाले से होती हैं उन सब के लिए हर तरह की सहूलत मुहैया करना, ये शाह साहब ने बेड़ा उठा रखा है। शाह साहब की किन किन खिदमात का जिक्र किया जाए, अगर फ़नून लतीफ़ा की किसी भी सम्त पर हम गुफ्तगू करें तो शाह साहब की कोई नज़ीर नहीं मिलती। शाह साहब एक काबिल कदर इंसान हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें तारीख लिखने वाले सच्चे लोग, जो सच्ची तारीख लिखने वाले लोग हैं, तो वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे अदब और फ़न की खिदमत के हवाले से। आप जितनी भी असनाफ़ हैं फ़नून लतीफ़ा में, आप वो उठाकर देख लें और तहकीक करें उस पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अहमद शाह ने किस नहज पर जाकर फ़नून लतीफ़ा की खिदमत की है और उससे वाबस्ता अफराद की कितनी खिदमत की है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे।